ये ज़रगाम अकरम ख़ान हैं, मेरे बेटे हैं और अभी 11 साल के हुए हैं। और ये वैसे तो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं लेकिन तबले का भी शौक़ है, मेरे वालिद साहब से ये सीख रहे हैं अभी। अच्छी बात यह है क्योंकि घर में माहौल है संगीत का, तो ये भी बजाते हैं, अभी एक रिकॉर्ड भी किया है। मैं जो जो एक कायदा मैंने अपने बचपन में इतनी उम्र में सीखा था अपने गुरुजी से, वही इनको भी सिखाया है। देखिए वही परंपरा चल रही है। बाबू ज़रा वो बोलो, ताल से बोलो। था दा गिड़ना दिने दागे तिके दिने गिड़ना के दिने गिने दागे तिके दिने गिने दागे तिके दिने गिड़ना के दिने दागे तिके दिने गिने के दिने दागे तिके दिने ता ता गिड़ना के दिने दागे तिके दिने गिड़ना के दिने गिने दागे तिके दिने दागे तिके दिने गिड़ना के दिने दागे तिके दिने गिड़ना के दिने दागे तिके दिने गिने था दा गिड़ना के दिने दागे तिके दिने गिड़ना के दिने गिने दागे तिके दिने गिने दागे तिके दिने गिड़ना के दिने दागे तिके दिने गिने के दिने दागे तिके दिने ता ता गिड़ना के दिने दागे तिके दिने गिड़ना के दिने गिने दागे तिके दिने दागे तिके देने गेड़े ना के देने दागे तिके देने गेड़े ना के देने दागे तिके देने गेड़े ना। हाँ, आप जब स्कूल जाते हो और आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें भी सीखना है आपके पापा से? कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपके पापा बाहर जाते हैं और हमें आपके पापा सीखना है, हमें आपके पापा का तबला सुनना है। मज़ा आता है जब आप तबला बजाते हैं? जी अभी डांट पड़ती है कि तबला ही बजाते रहते हो, दिन भर पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई के लिए तो कभी कभी डांट पड़ती है और तबले के लिए भी डांट पड़ती है कभी कभी। किसके साथ सीखने में मजा आता है, दादू के साथ या पापा के साथ? दोनों के साथ।